नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इसरो जाने का सपना बिहार के कई युवाओं ने जरूर देखा होगा, जिनकी तमन्ना चांद पर जाने की होगी। लेकिन इसरो जाने के लिए जो मशक्कत बीच में आ जाती है, उससे कई युवाओं का सपना अधूरा सा रह जाता है। लेकिन युवाओं के सपनों को उड़ान अब मिल सकती है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु की साइंटिफिक ब्रांच राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था पटना में खुल गई है। इसको लेकर हाल ही में इसरो और एनआईटी पटना के बीच क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके स्थापित होने पर यहां के बीटेक और एमटेक के छात्रों को अंतरिक्ष से संबंधित शोध के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही एनआईटी के कोर्स में अंतरिक्ष विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाएगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद एनआईटी पटना कैंपस में इसरो की तरफ से अपना सेटअप स्थापित किया जाएगा। जागरूकता निर्माण और अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए क्षेत्र के संस्थानों को भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने इस बाबत बताया कि इसरो की तरफ से कम्युनिकेशंस सह अंतरिक्ष सेंटर को लेकर एमओयू किया जा रहा है और कम्युनिकेशन और स्पेस को लेकर होने वाले शोध पर हर साल 2 करोड़ इसरो की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। इसको लेकर अब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीटेक, एमटेक और सीएसआईआर नेट जेआरएफ शोध छात्र अपने मूल संस्थान के अपने प्रोजेक्ट की अनुशंसा करेंगे। इसके बाद एनआईटी और इसरो की टीम इस प्रोजेक्ट की महत्ता और भविष्य की संभावनाओं को लेकर जांच करवाने का काम करेगी। एनआईटी की तरफ से इन केंद्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मनपूरन महतो का समन्वयक बनाया गया है। निदेशक ने बताया कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस के बीटेक और एमटेक और पीएचडी छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध के लिए बेहतर प्रोजेक्ट के आधार पर ग्रांट स्वीकृत करेगा। वहीं बिहार में इस नए साइंटिफिक सेंटर के बन जाने से स्पेस आधारित रिसर्च को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसको लेकर हर साल इसरो की तरफ से थीम भी एनआईटी को भेजी जाएगी। इसमें स्वचालित वाहन, नैनो सैटेलाइट, सैटेलाइट ट्रैकिंग, जीपीएस, कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्थ मॉनिटरिंग, 6G सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधाओं को लेकर भी रिसर्च का काम किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।